हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स आज आपकी स्टार्टिंग है। ध्यान रखिएगा, आपको 10th और 11th में दोनों को कंपेयर नहीं करना है। 11th अपनी जगह है, 10th अपनी जगह थी। मैं यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स में करने के लिए हमें पहले क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स को करना पड़ता है। अभी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मैं आपको अलग से करा रहा हूँ। इसकी स्टार्टिंग में मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं यूनिट एंड डायमेंशन बोलता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई एवं विमाएं। इकाई एवं विमाएं, और इकाई और विमाओं को ही मैं आज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? आपने हो तो छोटी क्लास में पहले मैं इकाई बताता हूं, फिर विमाएं बताता हूं, फिर इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए, मैं इकाई को समझाता हूं। इकाई, ठीक है, स्टार्ट करता हूं। इसको समझाने के लिए मैं यहां पर कुछ बिल्कुल बहुत बेसिक डेफिनेशन देता हूं। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि, तो भौतिक राशि को मैं डिफाइन करता हूं, वे राशियां जिनको हम नाप सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे होता लंबाई हो गई, ठीक, समय हो गया, वेग हो गया आदि, ये सब मेरे पास क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं, ठीक है? अब भौतिक राशि भी दो टाइप की होती हैं। तो मेरे पास होता, देखिए, भौतिक राशि ये दो टाइप की होती है। इनको मैं बोल देता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं बोल देता हूं मूल राशि, दूसरा हो जाता है व्युत्पन्न राशि, ठीक। मूल राशि क्या होती है? जो गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने दिया है, भगवान ने होता हमारे को दिया हुआ है। जैसे लंबाई है, समय है, ये सब आप एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिनको आप समझ सकते हैं, ठीक, मन में फील कर सकते हैं। इन राशियों को हम क्या बोल देते हैं? मूल राशि बोल देते हैं, ठीक है? और वे राशियां जो मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाने लगती हैं। मेरे पास मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसी का मैंने होता थोड़ा सा ये पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, मेनली हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पर इकाई आ जाता है। इकाई, इसको हम बोल देते हैं यूनिट, ठीक। ये 10 सेंटीमीटर का पेन है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास कैसा होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, अगर मैं अगर बोलता हूं किसी बॉडी का वेट 10 किलोग्राम है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 1 किलोग्राम होगा। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं और जिससे हम दूसरी राशियों को बताते हैं कि वो कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, दैट इज कॉल्ड द इकाई। तो मेरे पास क्या हो जाता है कि इकाई क्या हो जाती है, वह स्टैंडर्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या वह बिंदु जिससे हम दूसरी राशियों को मेजर करते हैं, वो मेरे पास क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। अब इकाई के लिए हमारे पास कैसा हो गया, जैसे आपने होता क्या किया, 10 मीटर चले, 10 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास कहीं ना कहीं 1 मीटर होगा, जिससे आपने कंपेयर किया हुआ है, तो उसके 10 गुना क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। तो हम जिससे कंपेयर करते हैं वो हमारे पास इकाई कहलाती है, और इकाई का ये क्या कहलाता है, मात्रक कहलाने लगता है। अब फिजिक्स में क्या हुआ, हमारे पास हम अगर मेजर करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जैसे होता दूरी को मेजर करूं,
तो दूरी मेरे पास सेंटीमीटर में मेजर होती है, मीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, ये सारी राशियों में ये क्या होने लगती है, मेजर होने लगती है। तो मैं यहाँ पर इसको सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देता हूँ, ठीक है। यानी मेरे पास इकाइयों के मापन कहलाने लगते हैं, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये लेके चलता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मात्रों के मात्रक को यानी इकाइयों को मापने के सिस्टम हो जाते हैं। तो मेरे पास हो तो जनरली हम तीन राशियों को, मूल राशियों को नापते हैं, एक हो जाती है लंबाई, ठीक, दूसरा हो जाता है आपके पास द्रव्यमान, तीसरा हो जाता है समय। इसमें हमारे पास पहला सिस्टम हो जाता है सी जी एस सिस्टम, सीजीएस इकाई। सीजीएस सिस्टम में मेरे पास क्या हो जाता है, जो लंबाई को मेजर किया जाता है, ये लंबाई काय में हो तो मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में हम मेजर करते हैं। सेकेंड हो जाता है एम के एस सिस्टम, इसमें हो तो लंबाई को मैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को मैं सेकेंड में मेजर करता हूं। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है हमारे पास एफ पी एस सिस्टम, इसमें हो तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को मैं सेकेंड में मेजर करता हूं, ठीक। ये सब मैं नाइन्थ क्लास का बेसिक लेके आपको यहां तक लेकर आ रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट। अब क्या है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश के लोग अलग अलग सिस्टम को यूज करने लगे, बड़ी प्रॉब्लम होने लगी जब अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग, जैसे इंडिया में मीटर चल रहा है, हमारे जबलपुर में सेंटीमीटर चल रहा है, गांव में गज है ना, ये शेर सवा शेर ये भी चल रहा है। तो साइंटिफिकली ये सब कैसा हो गया, टोटली गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया क्यों, क्योंकि हमें अगर कुछ भी मेजर करना है तो कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो देखिए ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग सब सिस्टम ऑफ यूनिट को अलग अलग यूज करने लगे, प्रॉब्लम हो गई। तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन बना और इसको एसआई यूनिट बोल देते हैं, एसआई। इसको बोल देते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सिस्टम। ठीक, अब देखिए इसको करने के लिए सबसे तो पहले जैसे हम तीन सिस्टम ऑफ यूनिट लिया सीजीएस एमकेएस एफपीएस में, उसमें हमने लंबाई द्रव्यमान और समय लेके चले थे, इसमें हम कुल सात भौतिक राशि प्लस दो पूरक राशि और मात्रक लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हो तो मैं लिखा रहा हूं, इनको आपको नोट भी करना है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में आपको तो बता देता हूं। तो देखिए ये मेरे पास ऐसा ही सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें मैं यहां पे कॉलम बना देता हूं, सीरियल नंबर, भौतिक राशि,
का मात्रक और ये इनका सिंबल हो गया। थोड़ा बहुत इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई को मैं मीटर से शो करता हूं और इसका सिंबल हो जाता है एम। दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, इसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम, इसका सिंबल है केजी। नंबर थर्ड समय, इसका यूनिट आ जाता है सेकेंड, को शो किया जाता है एस से। नंबर फोर्थ तापमान, इसका यूनिट होता है केल्विन, इसको कैपिटल। नंबर फिफ्थ धारा, इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसको हम कैपिटल है। बाकी सब स्मॉल लेटर से हैं, के और ए को छोड़ के। नंबर सिक्स पदार्थ की मात्रा, इसको मैं मोल से शो करता हूं, ठीक है, और इसका सिंबल हो जाता है मोल। नंबर सेवन ज्योति या प्रकाश की तीव्रता, इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला, इसको मैं सीडी से शो कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर तीन की जगह सात भौतिक राशियां लेके चलते हैं और ये सात भौतिक राशियां अब हमारे पास फिजिक्स में बेस बनाती है। किसी भी भौतिक राशि को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो इनको सात राशियों के टर्म में ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका यूनिट है और ये इनका सिंबल है। ये हमारे पास कैसा हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के अकॉर्डिंग भौतिक राशियों का मापन हो गया। अब देखिए, आप इसको पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा, ये सात भौतिक राशियां हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास यहां पर दो पूरक मात्रक भी हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, नंबर वन कहलाता है समतल का कोण, समतल का कोण, इसको हम रेडियन से शो करते हैं रेडियन, और इसका सिंबल होता है आर ए डी। सेकेंड हो जाता मेरे पास यहां पे घन कोण, इसको मैं स्टे रेडियन से शो करता हूं और इसका सिंबल हो जाता है एस आर के इक्वल, ठीक है। तो ये सात भौतिक राशियां हैं। इसके अतिरिक्त हम यहां पर वो दो भौतिक राशियों को भी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये है मेरे पास रेडियन और ये घन कोण है। आपको मैं इस घन कोण को समझाता हूं क्योंकि घन कोण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फिजिक्स में जितना भी चलेगा हम डिग्री में कोण को ना लेकर ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में रेडियन को